ही गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों को जूम क्लाउड मीटिंग ऐप में ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि अगर आप लोग ऑडियो बोल रहे हैं तो सामने वाले तक नहीं पहुंच रही है, या फिर सामने वालों को आप लोगों की ऑडियो सुनाई नहीं दे रही, यानी कि अगर आप लोग जैसे अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ऑडियो सुनाई नहीं दे रही, या फिर आप एक टीचर हैं तो आपकी ऑडियो स्टूडेंट तक नहीं पहुँच रही, तो उसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो वीडियो जरा सा भी स्किप मत करना, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे ये मान लेते हैं हम टीचर का फोन है, तो यहाँ पे हम लोग न्यू मीटिंग करते हैं और स्टार्ट मीटिंग पर क्लिक कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे हम लोग स्टार्ट मीटिंग पर क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर हम लोग ना कनेक्टिंग हो रहे हैं। ओके, सो ये अभी कनेक्टिंग हो रहा है, सो कनेक्टेड हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका कैमरा चेंज कर देता हूँ, साइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करना है। ओके, सो सबसे पहले ये स्टूडेंट मान लो आप ज्वाइन कर रहा है, सो ज्वाइन कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा मीटिंग आईडी। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को मीटिंग आईडी डालनी है एंड यहाँ ज्वाइन मीटिंग वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो ये क्या होगा कि अब यहाँ पे प्रिपेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। सो यहाँ पे ये जो पासवर्ड आपके सर मैम ने दिया होगा, सो यहाँ पे हम लोग इंटर कर देते हैं पासवर्ड। तो ये रहा पासवर्ड। ओके, तो यहां पे जैसे आप लोग पासवर्ड इंटर करेंगे तो ओके पे क्लिक कर देंगे। सो यहां पे क्या होगा कि ये प्रिपेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आप दिखा रहा है कि ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां दिखा रहा है, तो ज्वाइन विथ वीडियो पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। और जैसे आप लोग क्लिक करेंगे ज्वाइन विथ वीडियो, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये बोलेगा, तो हम यहाँ पे जैसे आपको एडमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप लोग एडमिट पे क्लिक करेंगे, सो ये क्या होगा कि अभी ये प्लीज वेट, यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है। सो ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर स्टूडेंट का मोबाइल कनेक्ट हो चुका है, जैसा आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर टीचर के फोन से जो दिख रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि अभी ऑडियो नहीं सुनाई दे रही, ठीक है। सो इसका प्रॉब्लम क्या, मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को ऑडियो सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑडियो अगर आप लोग देखेंगे, ऑडियो तो ऑन है टीचर के फोन में, लेकिन स्टूडेंट को नहीं सुनाई दे रही है, ठीक है। सो आप लोगों को सबसे पहले स्टूडेंट के फोन, जैसे स्टूडेंट को अगर सुनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक ऑप्शन होगा, ठीक है। सो ये मैं यहाँ पे एक बार फोकस कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सो ये ज्वाइन ऑडियो का एक ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को। जैसे आप लोग यहाँ टैप करेंगे और ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे कॉल वी ऑडियो आएगा, ठीक है। सो देखिए, अब यहाँ पे अगर आप मैं बोल रहा हूँ तो वो आपको आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। तो मैं दोनों के वॉइस कम कर देता हूँ। अब देखिए, तो दोनों में आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कौन से फोन की आवाज कौन सी है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ म्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे से जो आवाज है इधर से भी जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पे म्यूट कर देनी है, जैसे कि अभी टीचर दोनों अगर मतलब स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे की वॉइस चाहते हैं तो ये क्लिक कर सकते हैं। अब मान लो अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट की मतलब वॉइस आए सिर्फ, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो अब जो स्टूडेंट बोलेगा वो यहाँ पे अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। सो ये अनम्यूट कर देते हैं, तो अब ये जो स्टूडेंट की वॉइस और टीचर तक पहुंचेगी। और अगर टीचर म्यूट कर देता है, मतलब स्टूडेंट और टीचर अनम्यूट कर देता है, तो यहाँ पे टीचर की आवाज स्टूडेंट तक जाएगी, तो ठीक है। सो यही इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगर आप लोगों को ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जूम क्लाउड मीटिंग ऐप में ऑडियो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।